देश में चीनी उत्पादन विपणन सत्र 2022-23 में 3,65,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 2% अधिक है। दुनिया में चीनी के प्रमुख उत्पादक देश भारत में विपणन सत्र 2021-22 अक्टूबर से सितंबर के दौरान चीनी उत्पादन 3,58,00,000 टन रहा था। एथेनॉल के लिए अधिक शीरे का उपयोग किए जाने के बावजूद इस्मा को चालू सत्र में लगभग 90,00,000 टन चीनी निर्यात होने की उम्मीद है। इस्मा ने पहला अनुमान जारी करते हुए कहा है कि गन्ने के शीरे और बी शीरा को एथेनॉल में बदलने के कारण चीनी उत्पादन में 45,00,000 टन की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्मा ने वर्ष 2022-23 में करीब 3,65,00,000 टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। वर्ष 2022-23 सत्र के दौरान चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 1,23,00,000 टन, महाराष्ट्र में 1,05,00,000 टन तो कर्नाटक में 70,00,000 टन होने का अनुमान है। चूंकि पेट्रोल में 12% मिश्रण का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है, इसीलिए मौजूदा सत्र में एथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी का उपयोग 32% बढ़कर 45,00,000 टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 सत्र के दौरान 34,00,000 टन था। वहीं इस्मा ने कहा है कि चालू सत्र के दौरान कुल लगभग 545 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी और इसकी सप्लाई की जाएगी। निर्यात के बारे में उद्योग संगठन ने कहा है कि इस साल भारतीय चीनी के निर्यात के लिए समय सीमा काफी कम प्रतीत होती है, क्योंकि ब्राजील की चीनी मई 2023 तक वैश्विक बाजारों में आ जाएगी। इसके अलावा अधिकतर चीनी मिले चालू सत्र में निर्यात के मकसद से पहले ही चीनी के लिए अनुमत कर चुकी है, इसीलिए सरकार द्वारा चीनी निर्यात नीति की शीघ्र घोषणा करना अत्यधिक सराहनीय होगा। दक्षिण क्षेत्र में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है और अन्य क्षेत्रों में जल्द शुरू होने की उम्मीद है, इसीलिए कुछ महीनों के बाद एक बेहतर तस्वीर सामने आएगी, जब पैदावार और चीनी की प्राप्ति की मात्रा की वास्तविक स्थिति का आंकड़ा उपलब्ध होगा। लेकिन फिलहाल चीनी का उत्पादन घटने का अनुमान इस्मा की तरफ से लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीम।